अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन बिरयानी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ये 1 kg चिकन लिया है और ये अच्छे से वॉश मैंने कर लिया है 2-3 बार, और इसमें मैंने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। तो मैं अभी यखनी बनाने लगी हूँ इसकी। और चिकन से रिलेटेड आप कोई भी रेसिपी ट्राई करें तो कोशिश करें कि चिकन में कट्स ज़रूर से लगाएं। तो चलिए यखनी बनाने के लिए रख देते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। तो जी ये मैंने यखनी के लिए मसाला तैयार कर लिया है, और इसके लिए मैंने 3 से 4 करी पत्ता लिए हैं, और कुटा हुआ धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, और 1 प्याज मैंने कट करके लिए रफली, और 1 मैंने लहसुन लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है, 5 से 6 मैंने लौंग लिए हैं, और 6 से 7 मैंने काली मिर्च लिए हैं, और 2 मैंने छोटी इलायची ली हैं, और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। और इन सभी मसालों को मैं ऐड कर दूंगी यखनी में। और इसमें पानी मैंने पहले ही ऐड कर लिया है, तो ये सभी मसालों को यखनी में डाल देते हैं, और उसके बाद से गैस को ऑन कर लेते हैं। और इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसको हम अच्छे से कवर करके रख देंगे, और हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, क्योंकि चिकन जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, तो इसको इसलिए ज़्यादा नहीं पकाना है, 8 से 10 मिनट ही इसको कुक करना है। तो ये मैंने बिरयानी के लिए मसाले रेडी कर लिए हैं। उसमें मैंने 2 प्याज चॉप की हैं बारीक, और मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें स्लिट कट की हैं, और उसके बाद में मैंने 4 से 5 करी पत्ता लिए हैं, 2 टमाटर मैंने कट किए हैं रफली, और मैंने 2 छोटी इलायची ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 8 से 10 मैंने काली मिर्च ली हैं, और 3 इंच का मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, और 6 से 7 मैंने लौंगे ली हैं, और 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, और 1 टेबल स्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और 1/2 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने पीस कर रखा है, जो 2-3 स्पून हमें यूज़ में आएगा, और ये मिर्ची मैंने स्लिट कट करके रखी हैं बिरयानी के लिए, जिन्हें हम अलग से तैयार करेंगे। और 1 कटोरी मैंने दही लिया है बिरयानी के लिए, और ये अलग से दही मैंने रखा है रायते के लिए, और मुझे बनानी थी टमाटर की चटनी, तो ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 2 लहसुन की कलियां ली हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा, और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हींग मैंने इसमें ऐड किया है, और मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ली हैं साबुत। अब इन सभी का मैं पेस्ट बना लूँगी, यानी चटनी बना लूँगी। और अब इन मिर्चों को जो मैंने कट करके अलग से रखी हुई है, इसमें मैंने थोड़ा सा आमचूर डाला है। इसके बाद मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी हल्दी पाउडर,
उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऐड किया है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और ये अचार के तेल में मैंने इनको मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा मैंने अचार भी लिया है। और ये मैंने फूड कलर ऑरेंज इसको मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो हम यखनी को एक बार चेक कर लेते हैं। यखनी को हमारे 7 से 8 मिनट करीबन हो चुके हैं पकते हुए, तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। और यखनी हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है तो हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। बस एक बिरयानी का फ्लेवर आना चाहिए इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा आ चुका है। तो मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और ये जो यखनी का एक्स्ट्रा वाटर है इसे हम यूज़ करेंगे, इसे हम फेंकेंगे नहीं। तो इस पानी को हम एक साइड में रख देंगे, इसको यूज़ करेंगे बाद में। और ये मैंने 1 किलो चावल लिए हैं। दो तीन बार वॉश करने के बाद मैंने इनको सोक करके रख दिया है। करीबन 2 से 2.5 घंटा हो चुका है इन्हें सोक किए हुए। चावल की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने एक भगोने में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ये मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इनमें फ्राई करने वाली हूँ प्याज, तो मैंने सारी प्याज इस ऑयल में ऐड कर ली हैं। और प्याज को फ्राई होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए अगर आप को थोड़ा जल्दी से फ्राई करना है तो थोड़ा इसमें नमक ऐड कर सकते हैं आप। तो उससे क्या होता है कि प्याज थोड़ा जल्दी से फ्राई हो जाती है, इतना टाइम नहीं लगता है। तो मैंने भी थोड़ा सा नमक ऐड किया था इसमें, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, बस अब हमें इसे ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसे, और मैं आधी से ज़्यादा प्याज गार्निशिंग के लिए निकाल रही हूँ। और बाकी थोड़ी सी प्याज मैंने इसी में छोड़ी है, इसे बाकी मसालों के साथ इसी में फ्राई करेंगे। अब मैंने जो खड़े मसाले लिए हैं, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी और ज़ीरा, इन सभी को मैं फ्राई कर लूँगी। लाइट ब्राउन होने तक, ज़्यादा इन्हें डार्क ब्राउन नहीं करना है हमें, इन्हें जलाना नहीं है। और गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे हम यहाँ पर। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और इसकी जो कच्ची स्मेल है वो निकल जानी चाहिए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद ही हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो देखें ये अच्छे से भुन चुकी है और इसकी कच्चे की स्मेल बिल्कुल निकल चुकी है। तो अब बाकी मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। और मैंने इसमें ऐड किए हैं टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च और नमक।
ये सभी को मैंने इसमें ऐड कर लिया है और ये फिर से मैं एक साथ अच्छे से भून लूँगी। और हमें तब तक इन मसालों को एक साथ मिक्स करना है। ये टमाटर अच्छे से मैशी हो जाने चाहिए और यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है, उसको हाई नहीं करना है वरना तो ये मसाला सारा जल जाएगा, इसलिए हमें ये मसाले को मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बिरयानी मसाला। जो कि मैं ये वाला कोहिनूर का बिरयानी मसाला यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा फ्लेवर है इसका, ये देखें। तो मैं थोड़ा सा बिरयानी मसाला इसमें ऐड कर लूँगी। और टमाटर भी हमारे मैशी हो चुके हैं। तो बस हम इस मसाले को मिक्स करने के बाद से हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इसमें अच्छे से इस मसाले में कोड कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे मसालों के साथ भून लेंगे। तो हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि हमने इसे यखनी में भी थोड़ा सा बॉईल दिया था, उसके बाद में हम इसमें भी इसे 5 से 7 मिनट के लिए ही भूनेंगे। बस ये ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट इसको हो चुके हैं। अब मुझे इसमें दही ऐड करना है। हाफ कटोरी मैंने इसमें दही ऐड किया है। इससे बिरयानी का फ्लेवर और अच्छा आता है। और एक बात ध्यान रखें, जब दही को इसमें ऐड करें तो उसे अच्छी तरह से फेंट लें, वो स्मूथ पेस्ट बना लें उसका और अच्छे से वो मिक्स हो जाए। तो उसको एक बार ज़रूर अच्छे से फेंट लें तभी इसके बाद इसमें डालें। अब इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। तो अब मसालों ने अपना तेल छोड़ दिया है और ये मसालों से तेल अलग हो चुका है। तो अब हम यहीं पर इसमें ऐड करेंगे चावल जो कि हमने 2.5 घंटे से सोक किए हुए हैं। तो मैं कर रही हूँ इसमें चावल ऐड। तो ये जो यखनी का पानी मैंने बचाया था
तो पहले मैं इसको ऐड करूँगी और यहाँ पर एक बार फिर से हमें नमक चेक करना है। तो मैंने यहाँ पर किया है नमक ऐड और हमें इसे एक बार फिर से अच्छे से चला लेंगे। अगर मैं हाफ के जी चावल लेती हूँ तो मैं उसमें 1 लीटर करीब पानी डालती हूँ और अपने अकॉर्डिंग आप मेज़र कर सकते हैं पानी को। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ बूंदी रायता और मैंने ले लिया है दही, उसमें मैंने ऐड किया है थोड़े से लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी, उसके बाद में मैंने उसमें ऐड किया है थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा हींग और काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक। इसमें काला नमक मैं ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ रायते में। उसके बाद अब मैं इसमें 1 पैकेट बूंदी ऐड करूँगी और उसके बाद मैं उसका तड़का तैयार करने लगी हूँ एक पैन में मस्टर्ड ऑयल से और ज़ीरे और हींग का मैंने इसमें तड़का लगा दिया है और ये बिरयानी हमारी कुक हो चुकी है। अब मैंने इसमें जो वो मिर्ची भरी हुई थी उनको ऐड किया है और थोड़ा सा अचार डाला है, ऊपर से मैंने डाल दी है प्याज जो मैंने फ्राई की थी। उसके बाद मैंने ऑरेंज फूड कलर इसमें ऐड किया है जो मैंने बना के रखा था। ये देखें बिरयानी हमारी रेडी है और देखिए बहुत ही यम्मी बनकर ये तैयार हुई थी। अब मैंने थोड़ी देर के लिए इसे दम में लगा दिया था और उसके बाद ये फाइनल लुक था। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।